प्रणाम दोस्तों, आज मैं आपके बीच जो आया हूं तो डॉक्टर विश्वरूप के संबंध में कुछ चर्चा करने, साथ ही साथ संगठन के बारे में भी कुछ बात करने। तो कुछ चीजें हैं जिनको चिंतन योग्य है। देखो, मेरा मानना यह होता है कि जब हमारे व्यक्तिगत जीवन में कोई लड़ाई होती है, हमारी व्यक्तिगत कोई लड़ाई होती है, तो उसको जो हैंडल करने का तरीका होता है वो व्यक्तिगत होता है। एक व्यक्ति की खुद की समझ होती है, खुद की सोच होती है, उसको व्यक्तिगत ढंग से हैंडल कर सकता है। लेकिन जब लड़ाई एक संगठन के रूप में लड़ी जाती है और प्रशासन के अगेंस्ट लड़ी जाती है, एक व्यवस्था के अगेंस्ट लड़ी जाती है, तो उसमें कई तरीके के आयाम होते हैं जिसकी जरूरत पड़ती है लड़ने में। कोई भी सिंगल आयाम से नहीं लड़ सकता। अब यहां पे बात करते हैं थोड़ी देर के लिए, हम पहले डॉक्टर स्वरूप के बारे में बात करेंगे। विश्वरूप जो हैं, अभी मेरी उनसे बातचीत हुई, तो मैंने जब लास्ट टाइम वो मुझसे मिले थे तो मेरा उनसे एक ही अनुरोध था कि डॉक्टर साहब, आपके साथ जो भी गुजर रहा है वो आपको पब्लिक को बताना चाहिए और बता देना चाहिए कि इस समय आप अरेस्ट किए जा सकते हैं जो भी सिचुएशन बनी है। देखिए, उनके साथ जो गुजर रहा है, क्योंकि वो एक कानूनी ढंग से उनके ऊपर प्रहार हुआ है, तो निश्चित ही वो बात वकील ही बेहतर ढंग से निपटेंगे। बहुत से लोग इसमें ऐसे जैसे प्रश्न कर रहे हैं, हम उससे भी कह रहे हैं स्वामी जी आंदोलन करें, हम सड़कों पे उतरे, विश्वरूप का समर्थन करें। तो मैं समझता हूँ कितनी भी बड़ी संख्या इकट्ठी कर ले, लेकिन आप याद करो, अगर कानूनी रूप से कोई चीज फंस जाए तो उसमें संगठन कुछ नहीं कर सकता। संगठन की बात कहें, देखिए, बहुत से लोग मानते हैं ऐसा कि राम रहीम को फंसाया गया, कुछ लोग कहते हैं सही भी था, लेकिन कुछ भी सही, उसके पास एक बहुत बड़ा संगठन, ताकत, पैसा, सब कुछ था, लेकिन नहीं रोक पाया, गिरफ्तारी देनी पड़ी। विश्वरूप जी को भी एक बार तो कोर्ट के सामने आना पड़ेगा, वो चाहे स्वयं अपने आप अपने को हाजिर करें या फिर जो है उनको पुलिस अरेस्ट करके कोर्ट के सामने लेके जाए। वो एक किस्सा तो अब सामने आएगा कोर्ट के, वो तो एक लॉ है और उस लॉ के तहत लड़ाई भी होगी, जिसमें हो सकता है उनको कुछ दिन के लिए जेल भी जाना पड़े, हो सकता है उनको ज्यादा दिन के लिए जेल जाना पड़े या फिर उनको तुरंत ही बेल भी मिल सकती है। लेकिन जिस लड़ाई को हम लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में चाहे मैं हूं, चाहे विश्वरूप हैं, चाहे बलारा हैं, चाहे कोई भी है, हम सब की बारियां अपने अपने ढंग से आएंगी। इस देश की आजादी में हजारों लोग शहीद हुए, मकसद हमारा व्यक्ति नहीं है, व्यक्ति होना भी नहीं चाहिए, मकसद है कि जिस मकसद के लिए लड़ रहे। डॉक्टर विश्वरूप का व्यक्तिगत रूप से उनका शरीर बचा लेने का, निश्चित ही एक व्यक्ति होने के नाते, एक इंसान होने के नाते मेरी पूरी चाह है कि वो स्वस्थ रहें, शरीर में रहें और हम लोगों के बीच में रह के काम करें। लेकिन अगर उनको प्रशासन अरेस्ट कर लेता है तो वहां पे हमारी लड़ाई, या नहीं अरेस्ट करता है और वो जमानत पे छूट आते हैं तो हमारी लड़ाई किस व्यवस्था से है? आज डॉक्टर विश्वरूप के ऊपर एक आरोप लगा है कि विश्वरूप जो हैं वो लोगों का इलाज कर रहे थे दवाइयां लेके, जबकि ऐसा बिल्कुल भी प्रूफ नहीं है। वो कहीं पे दवाई नहीं लिखते, कहीं पे भी दवाई नहीं कहते, और उनके भी कुछ पेशेंटों को मैं जानता हूँ जो मुझे मिले हैं, उन्होंने भी कहा कि उन्होंने दवाई नहीं दी, वो तो एक डाइट चार्ट के तहत काम करते हैं। अब यहाँ पे बिल्कुल वही बात आती है जो प्रश्न रवीश कुमार से उठाते वक्त एक प्रश्न हमने लिखा था कि क्या व्यक्ति का हित जरूरी है, कि व्यक्ति का हित इस माध्यम से ही किया जाता है, ये जिद जरूरी है। जब मैं आंदोलन के संबंध में ये बात कह रहा हूं कि हमारे लिए ये करोना नाम के षड्यंत्र से मुक्ति जरूरी है, ना कि वो मुक्ति कौन दिलाएगा ये जरूरी, ना कि मेरा ढंग ही अच्छा है ये जरूरी है। सबके अपने अपने ढंग हो सकते हैं। मैं एटीएम क्रांति के तहत आप लोगों के माध्यम से उनकी हेल्प की बात कर रहा हूं,
आप में से बहुत से लोग अगर सड़क पर उतर के मदद करना चाहते हैं वो भी करें, तो जिस जिस तरीके से आप मदद कर सकते हैं करें, उसमें मैं बिल्कुल भी रोकने वाला नहीं व्यक्ति हूं। लेकिन मैं जिद पकड़ जाऊं कि मेरा ही तरीका अच्छा है, या कोई और जिद पकड़ जाए कि उसका ही तरीका अच्छा है, तो जिद्दी होके तो हम लड़ाई नहीं जीत सकते, जिद्दी होके सिर्फ हम अपने अहंकार की यात्रा कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि जिस प्रकार हम संगठन की ये बात करते हैं, उसी प्रकार हम प्रशासन पे और देश के कानून पे भी एक सवाल उठाते हैं। एक व्यक्ति बीमार हुआ और ये वैज्ञानिक तरीके से ही प्रूफ हो चुका है कि एक व्यक्ति, 100 व्यक्ति इकट्ठे करो, उनमें से 25 व्यक्तियों को जो है वो दवाई का इंजेक्शन लगाओ, 25 व्यक्तियों को पानी का इंजेक्शन लगाओ, 25 व्यक्तियों को भभूत दे दो और 25 व्यक्तियों को बोलो कि तुम जो है भगवान भरोसे हो, तो उन सब का रिकॉर्ड रखने पे बाद में पाया गया कि लिमिटेड जो है तरीके से लोग ठीक हो, जितने लोग दवा दे के ठीक होते हैं उतने लोग भभूत दे के भी ठीक हो जाते हैं, उतने ही लोग जो है वो बिना दवा के भी ठीक होते हैं और उतने लोग पानी के इंजेक्शन से भी ठीक होते हैं, परसेंटेज वही निकला और ये मेडिकल साइंस का ही प्रूफ किया हुआ है। तो मेडिकल साइंस किस आधार पे ये कह सकता है कि डॉक्टर विश्वरूप किसी को फ्रूट खाने को कहते हैं, कुछ कहते हैं, तो ये अपराध हो गया कि इसके लिए भी कोई नियम बनाना पड़ेगा? असल में ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जिसको समझने की जरूरत है। अभी हम थोड़ी देर पहले एक बात कर रहे थे कि आज जो है एक शराब की बोतल 1,000 रुपए की बिकती है मार्केट में, वो बोतल बनाने में अगर उसके एसेंस वगैरह सब जोड़ दो 50-60 रुपए की पड़ती है, 50-60 रुपए की बोतल 1,000 रुपए की बेची जाती है जिसमें सरकार भी अपना कमीशन खा के बैठी है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि हर व्यक्ति अपने तरीके से घर में शराब बना ले और शराब पे उसे बैन हटा दे, तो शराब के नाम की मोनोपोली और युद्ध हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। लेकिन वो आरोप क्या लगाते हैं? वो आरोप ये लगाते हैं हम शराब अच्छी बेचते हैं और कच्ची शराब में जहर होता है जिसकी वजह से लोग मर जाते हैं। देखो मित्रों, जहर तब होता है जब हर आदमी को बनाने की परमिशन हटा दी जाती है और किसी एक को दे दी जाती है, लेकिन एक बहुत ज्यादा महंगी बेचता है तो दूसरा सस्ती बेच के अपना उसमें बिजनेस खोजने की कोशिश करता है और ज्यादा लोगों को सप्लाई करने के चक्कर में वो जो बनाता है वो जहर जैसी बनाता है। ये जहर जैसी शराब बनना भी एक तरीके का जो बिजनेस मोनोपोली बनाई जाती है उसके तहत ऐसा होता है। ऐसे ही ये आपका दवाइयों का व्यापार है। हमारा देश आज की तारीख में एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जब एक तरफ बातें होती हैं संस्कृति बचाने की, दूसरी तरफ हमारे देश की संस्कृति का ही सत्यानाश किया जा रहा है। बाबा रामदेव ने जब कोरोनिल दवा बनाई थी कोरोना के संबंध में, तो एक आरोप लगाया था IMA ने, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने, कि इनको जो है हमने परमिट नहीं किया। भाई तुम कौन होते हो, तुम कौन होते हो आयुर्वेद की दवा को परमिट करने वाले? कोई आयुर्वेद का ऋषि करे कि भाई हम इसको परमिट नहीं करते, बात समझ में आती, लेकिन तुम कौन होते हो? और जब ये किया तो अफसोस की बात है कि हमारे देश का संविधान और हमारे देश के सारे नेता ये संस्कृति की हत्या देखते हुए चुप थे। क्या जैसे नेता हैं, हर नेता को देश का भला करना है ये कहता है, हर नेता को देश का भला करना है, लेकिन बीजेपी कहती है हम ही भला कर पाएंगे, कांग्रेस कहती है हम ही भला कर पाएंगे, सापा बासपा आप सब कहती है हम ही भला कर पाएंगे, और इस भलाई में ये एक दूसरे के हाथ में जो थाली है, जिस थाली को लेके वो निकले हैं बच्चे को देने, उस थाली को पहुंचने नहीं देते और लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। भाई कोई भला कर लो, तुम सबका जब भला करना मकसद है तो भला क्यों नहीं करते? आज तक इस देश का भला हुआ क्यों नहीं? सच बात तो यह है कि हम भला करेंगे, हम भला करेंगे, हम भला करेंगे, इसके चक्कर में देश का भला नहीं हुआ।
और बिल्कुल यही होता है संगठन बनाते वक्त, जब देश में इन ताकतों के खिलाफ लड़ते वक्त हम निकले तो हर एक को लगता है हम ही भला कर सकते हैं। मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं, मैं ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि आज सुबह मैंने एक पोस्ट डाली कि संगठन का अर्थ होता है एक शरीर की तरह काम करना। हाथ की अपनी क्षमता होती है, पैर की अपनी होती है, आंख की अपनी होती है, सर की अपनी होती है, नाक की अपनी होती है, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि किसी की क्षमता किसी से कम है। हर एक की क्षमता, उसकी उपयोगिता बहुत जरूरी है एक शरीर के निर्माण के लिए। अगर शरीर का कोई एक अंग कमजोर होगा, काम नहीं करेगा, तो शरीर अपंग हो जाता है। संगठन में भी बहुत तरीके की चीजें होती हैं, यदि एक कोई सही तरीके से काम ना करे तो संगठन अपंग हो जाता है। हमारे देश में जिस तरीके का माहौल है, जिस तरीके के मनुष्य हैं, 12,000 तरीके के विचार लोग रखते हैं अलग अलग तरीके के, तो 12,000 तरीके के विचारों को कोई एक तरीके की दवा पूरी ठीक नहीं कर सकती। मैं आप लोगों से कहता हूं कि एक ऐसी लड़ाई तो आप लोगों को लड़नी चाहिए जिसमें आप ये सवाल उठा सको कि सरकार कौन होती है ये कहने वाली, या सिस्टम कौन होता है ये कहने वाली कि केवल और केवल एलोपैथी दवा के पास ही कोरोना का इलाज है, एलोपैथी दवा ही आपके सारे लोगों को ठीक करेगी। और अगर कहीं ऐसा कोई प्रमाण है कि एलोपैथी ही ठीक करेगी, तो अस्पताल में कोई डॉक्टर ये क्यों कह देता है कि अब आप इसे ले जाइए भगवान भरोसे, क्यों कह देता है? कोई व्यक्ति मरता क्यों है दवा खा के? अगर आप कह रहे हैं कि हम ही बचाएंगे, तो फिर आप बचा क्यों नहीं लेते हैं? मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, सरकार हो तो, डॉक्टर हो तो, कोई भी हो, सिर्फ ये बताओ कि बचाओगे, इसकी गारंटी दे दो। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूं, तुम्हें भरोसा है कि इंजेक्शन लगाने से आप सबको बचा लोगे और इंजेक्शन लगाने से ही सब बचेंगे? अगर ऐसा भरोसा है, चलो मैं भी इंजेक्शन लगाता हूं, बस एक गारंटी दो कि मुझे इस इंजेक्शन के बाद दूसरा इंजेक्शन नहीं लगाना पड़ेगा और मुझे कोई अहित भी नहीं होगा। अगर मुझे कोई अहित हुआ, मुझे कोई नुकसान हुआ, तो सरकार उसको 1 करोड़ हजारे के रूप में मुझे दे। ऐसा हर व्यक्ति को एक गारंटी मिलनी चाहिए। क्या गारंटी दे पाएगा? हमारे ऋषि मुनि, उनके पास तो आईएमए की डिग्री नहीं थी, तो इसका मतलब वो आयुर्वेद का निर्माण ही नहीं कर पाते, क्योंकि आईएमए तो अभी आया है, बच्चा है, कल की पैदाइश। लेकिन संगठन के तरीके से, कानून के तरीके से, ये जो कागजी खेल शुरू हुआ है पूरी दुनिया में कि कागज पे जो लिख दिया जाता है वही सच है, मैं आपसे पूछता हूं, सन 1947 देश आजाद होने से पहले, संविधान लागू होने से पहले, क्या किसी व्यक्ति की शादी जब होती थी तो कोई फार्म भरा जाता था? क्या विवाह के रिश्ते अटूट नहीं होते थे? विवाह का बंधन सिर्फ 4 लोगों की उपस्थिति में एक संकल्प होता था और वो मान्य हो जाता था, ये हमारे देश की संस्कृति थी। लेकिन आज आप 4 लोगों के बीच भी विवाह कर लेते हैं, तब तक पूर्णता मान नहीं होगा जब तक आपकी जो है वो कानून में जाके रजिस्ट्री ना हो जाए, वहां पे आपका एक पेपर ना बन जाए। ये संस्कृति बाजार है। मुझे तो संस्कृति की परिभाषा समझने में या तो मुझे दिक्कत हो रही है, या जो लोग इस संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं उन्हें संस्कृति की परिभाषा नहीं मालूम। मैं पूछना चाहता हूं, हम किस चीज की रक्षा कर रहे हैं? डॉक्टर विश्वरूप के संबंध में मैं सहृदय कहता हूं कि बहुत अच्छा काम उन्होंने किया अपने क्षेत्र में। हाँ, ये बात अलग है, मैं डॉक्टर विश्वरूप को व्यवस्था से लड़ने वाला व्यक्ति नहीं कहूंगा। अभी उनके स्टेटमेंट में मैंने कहीं ये नहीं पाया था कि वो सरकार को सीधे सीधे ब्लेम करते थे, लेकिन उनकी एक फील्ड थी, उनकी एक स्पेशलाइजेशन था, उस फील्ड में वो अपनी बात कहते थे और वहां पे वो अच्छे थे और वहां पे हमें उन्हें सपोर्ट भी करना चाहिए, क्योंकि हमारे तरफ जो अटैक हुआ है वो कई दिशाओं से हो रहा है, प्रशासन की तरफ से हो रहा है,
पत्रकारिता की तरफ से हो रहा है, आपके जुडिशरी सिस्टम की तरफ से हो रहा है, आपका मेडिकल सिस्टम की तरफ से हो रहा है, हमें कई तरीके से दबाया जा रहा है। तो हमारे पास भी ऐसे योद्धाओं की जरूरत, हमें टीम में चाहिए जो अपने अपने क्षेत्रों में लड़ाई लड़े। वैचारिक आक्रमण जहां पे हो रहा है, मैं कह सकता हूं कि वैचारिक आक्रमण लड़ने से बचाने के लिए मैं तरीके बता सकता हूं, वैचारिक क्रांति का, मैं उसी क्रांति का सहयोगी हो सकता हूं। किसी व्यक्ति को, डॉक्टर तरुण कोठारी को MBBS की डिग्री है तो उन्हें उसकी ज्यादा गहराइयां पता हैं, उन्हें उसकी कमियां पता हैं, तो वो उस ढंग की बात उठाएंगे, मैं बिल्कुल सहमत हूं। एडवोकेट जो है वो ज्यूडिशरी सिस्टम के कौन सी कमियां हैं, कौन से गलत काम हो रहे हैं उसके संबंध में आरोप उठाएंगे, बिल्कुल ठीक है, मैं सहयोगी हूं, मैं कहूंगा कि इनको मदद करो ज्यूडिशरी सिस्टम की। पॉलिटिशियंस जहां पे बात उठा रहे हैं, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी बना के उसको करना चाहता है, मैं कहूंगा मैं सहमत हूं, मैं व्यक्तिगत रूप से पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनाऊंगा कभी, मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं कह रहा हूं मैं योग्य पात्र नहीं हूं। देखो मेरी एक योग्यता है कि मैं आपके विचारों को बल देके आपकी आत्मा जागृत करा सकता हूं, ये मैं सन्यासी होने के नाते भी क्षमता रखता हूं और एक समझदारी के नाते भी, लेकिन मेरे पास भीड़ को बुला के उसे संभालने की क्षमता नहीं। मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं, कल हमारी मीटिंग हुई और उस मीटिंग में एक छोटा सा निर्णय कोठारी जी की तरफ से लिया गया और उन्होंने कहा कि स्वामी जी हम चाहते हैं कि हम केजरीवाल जी का घेराव करें, ये बात कोठारी जी ने कही थी और मैं स्पष्टवादी हूं, मैं उनसे भी कह चुका हूं कि मैं छुपा कर नहीं चलूंगा, कोठारी जी अगर ऐसा करते हैं, मैंने उनसे कह दिया कि मैं उनके साथ हूं, व्यक्तिगत रूप से मैं अपनी प्रेजेंस भी दिखाऊंगा, लेकिन एक चीज में मैं सहभागी नहीं हो सकता और वो है कि मैं लोगों को अपने आश्रय बुलाऊं, 50-100 लोग की आ जाओ और हम चलेंगे, कल को उन 50-100 लोगों में से किसी के साथ मिस हैपनिंग हो गई तो मैं उसको संभालने की क्षमता नहीं रखता, और भीड़ उपद्रवी होती है ये मैं मानता हूं, भीड़ में कोई एक व्यक्ति भी उपद्रव कर सकता है और कभी कभी व्यवस्था की तरफ से भी भीड़ में कुछ लोग डाले जा सकते हैं जो उपद्रव कर देंगे और जिम्मेदारी जो है वो आपकी ही आएगी और तब आपका आंदोलन कमजोर पड़ जाता है, बिना आदर्श के बिना नेताओं के आंदोलन कमजोर पड़ जाता है। आप 1 PM से जो जुड़े हुए लोग हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं आपका नेता हूं, मैं आपका मित्र हूं, मैंने सखा ही कह रखा अपने आप को, लेकिन फिर भी मैं आपको लीड कर रहा हूं, इस नाते एक मेरी जिम्मेदारी है। आप में से जब तरुण कोठारी जी ऐसा करेंगे, उनका पहले तो मैं एजेंडा पढ़ूंगा कि वो एजेंडा क्या है, अगर मुझे वो एजेंडा अच्छा लगेगा तो मैं सहमति प्रदान करूंगा, अगर मुझे उसमें किसी प्रकार के ऐसा लगा कमजोरी की या लालच की तो उस पर तर्क वितर्क करूंगा, उसको सुधार करूंगा, अगर वो सुधार उसमें हो जाता है और मुझे लगता है बात ठीक है तो हम उसको लोगों के बीच लाएंगे, और जब लोगों के बीच लाएंगे तो उस आंदोलन में जो सड़कों पर उतरने की जिम्मेदारी होगी, मैं ये तो कह सकता हूं कि तरुण जी जो कर रहे हैं वो सही लग रहा है, लेकिन मैं अगर आपको कहूं कि आप आ जाओ और मैं जिम्मेदारी लेता हूं आपकी, तो ऐसा मैं नहीं कहूंगा, आप अगर सड़कों पर उतरेंगे तो अपनी जिम्मेदारी पे उतरेंगे, ये बिल्कुल स्पष्ट अभी कह देता हूं, ये तरुण जी तक भी मैसेज पहुंच जाएगा और भी मित्र हैं उन तक भी मैसेज पहुंच जाएगा, क्योंकि संगठन को संभालना, संगठन को चलाना, अपने अपने रोल को निभाना, ये एक खूबी होती है, एक गरिमा होती है। मेरे पास एक मंच है 8 PM और आप सब जानते हैं कि इस 8 PM मंच से मैंने डॉक्टर बलारा के लिए भी आवाज उठाई, मैंने कोठारी जी का भी सम्मान किया, नाम लिया, उनको बुलाया, मैंने इस मंच पे अभी विश्व रूप को भी पक्ष दिया, उन पे बात की, मैं अपने मंच पे जो भी क्रांतिकारी है, जो व्यवस्था से लड़ रहा है, उसका साथ दूंगा, वो चाहे छोटा व्यक्ति हो चाहे बड़ा व्यक्ति हो, मेरे लिए सब बराबर हैं। लेकिन अगर मुझसे ये उम्मीद की जाएगी कि मैं अपना मंच त्याग के उनके मंच पे आके
उस ढंग से लड़ाई लड़ूं जैसे वो लड़ रहे हैं, तो मैं क्षमा चाहूंगा। मैंने उस ढंग की लड़ाई लड़ना सीखा ही नहीं, मैं उसमें बिल्कुल ऐसा ही छात्र हूं जो पढ़ा ही नहीं, ऐसा सैनिक हूं जो वैसे लड़ा ही नहीं, तो मैं कैसे कह सकता हूं। हां, मैं एक संख्या बढ़ा के वहां खड़ा हो जाऊंगा, जैसे मैं बलारा जी के आंदोलन में गया, अब वहां जय हिंद के नारे लगा रहे, अब मुझसे नहीं लगते, है ना, वो जय भारत और जय बला मुझसे नहीं लग सकते, मुझसे ऐसे हाथ कूदता ही नहीं, मैं ऐसे उठा सकता हूं, मैं ऐसे उठा सकता हूं, लेकिन वो ऐसा वाला मुझसे उठता ही नहीं, ये इतना ऊंचा मेरा जाता ही नहीं, या तो हाथ खराब है या शायद मेरी सोच में कुछ गड़बड़ है कि मुझसे ये चीजें नहीं होती, या शायद ऐसा है कि मेरी समझदारी इतनी बढ़ गई है कि इस तरीके के नारों ने ही देश का नुकसान किया। कभी जय हिंद के नारों ने आपसे एक सत्ता लेने के बाद उस सत्ता की मलाई चाटी, और कभी जय श्री राम के नारों ने आपसे सत्ता लेके और उसकी मलाई चाटी, आपको क्या मिला? नारा। मैं नहीं चाहता कि आपका आपके हाथ में मैं एक नारा थमाऊं, मैं चाहता हूं कि आपके दिमाग में कुछ जज्बे पैदा करके आपकी आत्मा जागृत करूं, ताकि आप जहां हैं वहीं से लड़ना सीखें, और भविष्य में अगर मुझे, जिस तरीके से मैंने कहा था आप लोगों से कि मुझे परमात्मा ने ट्रेनिंग दी, मुझे अपने तरीके से संघर्ष करना सिखाया, बढ़ना सिखाया, धीरे धीरे यहां तक पहुंचाया, अगर कभी ये चलते चलते 8 PM क्रांति, ऐसा भी दौर आया कि 8 PM क्रांति के हजारों सदस्य कहने लगे कि हम सड़कों पर उतर के भी करना चाहते हैं, तो मैं एक योग्य पात्र ढूंढूंगा इसी क्रांति के सदस्यों में जो उनको लीड करेगा, और लीगली उसकी जिम्मेदारी उसको ही दे दूंगा। मैं फिर भी ना कर पाऊंगा कि मैं मंच पे जाके खड़े होके और लोगों के बीच बोलने का काम तो कर सकता हूं, लेकिन संगठन की 100-200 की भीड़ में मैं अपने आप को असहज पाता हूं। किस अर्थों में असहज वो बता देता हूं, थोड़ा सा समझिएगा आप मेरे हृदय को, और इतना स्पष्ट शायद दुनिया में किसी ने नहीं बोला हो। दिक्कत क्या होती है मालूम आपको? अब मैं आपके लिए फेसबुक पे यहां बोल रहा हूं, आप मुझे सुन रहे हैं, दिस इज मंच, ये मंच है, और नीचे 10-20 हजार लोग लाइक कर रहे हैं, व्यूज हैं, तो आपको लग रहा है कि मैं कोई सुपर स्टार, मैं अपना सा आदमी हूं, अभी मैं भी पराठा खा के चाय पी के बैठा हूं, लेकिन आपके लिए सुपर स्टार हो गया। अब जब मैं आपको कहीं अकेले मिल जाऊंगा, तो आप उस सुपरस्टार के साथ सिर्फ फोटो ही नहीं खिंचाना चाहते, उस सुपरस्टार के साथ अपने दो काम लोग करते हैं आंदोलन में, और बहुत अलग काम है। या तो कोई मुझे मिलता है, उसे लगता है आज हमें इंसाइक्लोपीडिया मिल गया, इससे मैं सारे प्रश्नों के उत्तर कर लूं। अच्छा स्वामी जी, अब आपको क्या लग रहा है? अच्छा कैसे लड़ेंगे? उसको जवाब दो, तो उसको वो जवाब, उसके प्रश्न खत्म नहीं होते, और अगर उसको ना दो तो वो इसका ईगो हर्ट हो जाता है। और दूसरे टाइप के लोग और खतरनाक प्राणी होते हैं, उन सबके पास आइडिया होते हैं दुनिया कैसे बदल देनी है, फिर उनके आइडिया पूरे सुनो, और सच कहूं तो आइडिया खुद ही बहुत भरमार है अपने पास, वही इंप्लीमेंट नहीं किए चुप रहे। आइडिया होना एक चीज है, उसको इंप्लीमेंटेशन तो बहुत बड़ी बात होती। कल एक व्यक्ति वहां मिल गए थे, आ गए थे डॉक्टर साहब के यहां कहीं से, उनके पास एक आइडिया है, अब वो आइडिया इतना उनके पास, उस आइडिया को लेके वो एग्रेसिव थे कि वो आइडिया नहीं मानो तो वो किसी एक आध को पीट देंगे वहां बैठे व्यक्ति को, कि तुम आइडिया मान क्यों नहीं रहे हो। अब बताओ यार, ये कोई आइडिया हुआ? ये तो ऐसा हो गया कि घोड़े पे तुम बैठे हो, जिस पे उस घोड़े की लगाम तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो फुदुक फुदुक कर रहा है और कभी भी तुम्हें गिरा देगा। तो ऐसे लोग भी काम नहीं कर सकते। अगर किसी को लगता है भगत सिंह होना है, तो उसे अकेले ही जाके अदालत के अंदर बम फेंकना पड़ेगा, भाई वो फेंक दे जाके, हमारा उस भगत सिंह से कोई लेना देना नहीं, ना हम उसे बम की पिन बनाने के लिए ही 1 रुपया देंगे, और ना ही हम उसको साहस देंगे बम फेंकने का, वो उसको अपने बल पे करना पड़ेगा। मैं सिर्फ और सिर्फ एक चीज पे पहले जोर देना चाहता हूं, दूसरा स्टेप इससे जन्मेगा,
जैसे मैं कह रहा हूं कि मैं विवाह पे जोर देना चाहता हूं, फिर उससे बच्चा जन्मेगा और मैं पिता भी बन जाऊंगा, वो बात की बात है। पहले पति तो बनो, फिर पिता बन जाना, फिर पिता बन जाओ तो उसके आगे दादा बन जाना, फिर वो आगे के प्रोसेस अपने आप पैदा होते हैं। किसी भी क्रांति का सबसे पहला वजन होता है वैचारिक क्रांति। पहले मैं वैचारिक क्रांति के पक्ष में हूं। अभी तो हालत यह है कि आप लोग जितने लोग मुझे सुन रहे हैं वो दिन भर कोरोना से संबंधित पोस्ट देख देख के एक भ्रम में पड़ सकते हैं कि पूरी दुनिया कोरोना को षड्यंत्र मानने लगी है। लेकिन मैं कह रहा हूं प्रैक्टिकलिज्म के लिए उठ के बाहर जाओ और सड़क पे 50 लोगों से पूछो क्या तुम्हें कोरोना षड्यंत्र लगता है, तो आज की तारीख में 48 लोग कहेंगे नहीं भैया बीमारी है, खतरनाक बीमारी है। तो दो ही लोग 50 में से राजी हैं कि षड्यंत्र है, 48 तो अभी भी नहीं जानते। तो वैचारिक क्रांति का अर्थ होगा कि 48 में से कम 24 लोगों को बता देना है कि ये क्रांति इसलिए है क्योंकि कोरोना जो है एक साजिश है। और ये वैचारिक क्रांति किस ढंग से लड़ी जा रही है उसकी एक मिसाल आप देख सकते हो कि आज से एक महीने पहले जब हम चले थे अकेले थे और आज एक महीने के अंदर 1,000-2,000 लोग तो एक्टिव रूप से हमारे साथ में हैं और कम से कम 5,000-7,000 पीछे हैं कि जब वक्त आएगा बड़ा तो वो साथ निकल आएंगे। मैं ये कहता हूं कि आप एक महीने के अंदर किसी भी विचार में आप 1,000 लोगों की एक रैली करके दिखा दीजिए, मैं मान जाऊंगा कि मैं गलत हूं। डॉक्टर बल्लारा के संबंध में उन्होंने जब पोस्ट डाली, उनकी गिरफ्तारी की, उसको 1 मिलियन व्यूज मिले, 1 मिलियन 10 लाख लोगों ने देखा, लगभग 30,000 लोगों ने उसको लाइक किया, लगभग 20,000 लोगों ने कमेंट किए, 30 और 20 50, ठीक है, शेयर किए होंगे तो लाइक और कमेंट सालों में से ही किए होंगे, 30 और 20 50। देखा 10 लाख लोगों ने, 10 लाख लोगों में 50,000 लोगों ने उनमें बस उस पर सहमति दिखाई, यानी कि परसेंटेज बना 5% और सड़क पे उतर के वहां फाइट करने के लिए आए 50, ये मैं गवाह हूं वहां था 50। और डॉक्टर बल्लारा की जमानत देने के लिए 2 आदमी इकट्ठे करने में लग गए 2 दिन। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं, इस अनुभव को देखा है सामने। तो मेरा ढंग दूसरा है, मैं सड़क पर उतर के लाउड स्पीकर लेके जबरदस्ती लोगों को सड़क पार नहीं करवाना चाहता। मेरा तरीका यह है कि मैं अपने मंच पे एक आवाज दूंगा, अपना संगीत बजाऊंगा, अपना गीत गाऊंगा, उस गीत को सुन के कुछ लोग आए और पूछे इस गीत का गीतकार कौन है, इस गीत का प्राण कौन है, इस गीत का रचयिता कौन है, इस गीत को सुर किसने दिए हैं, तो मैं फिर बात कर सकता हूं। उसमें परमात्मा की एक सुगंध भी होगी, उसमें समाज का एक दर्द भी होगा, उसमें मानवता की एक बात भी होगी, उसमें आपके अंदर सच्चाई का एक जज्बा पैदा करने की कला भी होगी। लेकिन मैं जबरदस्ती कुंडी बजा बजा के और सबको सत्य की राह पे ले चलूंगा, सबको क्रांतिकारी बनवा दूंगा, ऐसा कोई ठेका मैं नहीं उठाए हुए हूं। मैं बिल्कुल सीधी सी बात कह रहा हूं, मैं उस देश का वासी हूं जिस देश में अध्यात्म बहता है, और अध्यात्म का अर्थ जो है मैंने गहनतम जाना है, और उसका अर्थ ये होता है सबसे पहले मैं मेरा अध्याय जानूंगा और मेरे अध्याय के माध्यम से मुझे पता लगेगा मेरी सामर्थ्य क्या है, और उसी सामर्थ्य के अनुरूप मैं अपना मार्ग चुनूंगा। हर व्यक्ति अलग अलग गुरु चुनता है, क्योंकि जो जिसके सामने शीश झुकाने में सामर्थ पाता है वो उसके सामने ही झुकाता, हर एक के सामने तो नहीं झुकाता। मेरे गुरु के सामने तेरा नहीं झुकाएगा, तेरा गुरु के सामने मेरा नहीं झुकाएगा, सबका अपना अपना है। तो जब तक सामर्थ्य ना पहचान लो तब तक यात्रा संभव नहीं होती। मैं आपके बीच आपकी बात करके आपके दिमाग के अंदर परमात्मा के दिए अंश को खाद पानी देके
आपको सच के रास्ते पे ला सकता हूं, फिर वो सत्य के रास्ते पे आप मुझसे लड़ो कि सत्य के रास्ते पे सरकार से लड़ सकते हो, सत्य के रास्ते पे ही आप सड़क पे कूद सकते हो, सत्य के रास्ते पे ही आप एपीएम क्रांति के तहत जुड़ सकते हो। वो आपका स्वयं का चुनाव होगा। आप मुझसे भी अगर लड़ोगे तो मैं इतना ही कहूंगा कि कल तक मित्र तुम लड़ना नहीं जानते थे, आज तुम आवाज उठाना सीखे, भले ही अभी तुम्हें मैं ही बुरा दिख रहा हूं लेकिन सीखे तुम मेरे माध्यम से, तो धन्यवाद दे दो फिर गाली दो। अगर मेरे खिलाफ भी आप लड़ते हो कल को भविष्य में, तो मैं यही कहूंगा एक धन्यवाद दे दो सर, उसके बाद मुझसे लड़ लो, क्योंकि आपके अंदर इस जज्बे को उठाने में तो मैंने सहयोग किया। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं धर्म की धारणा लिए, गुरु की तरह मुझे मानते हैं, मेरे संग रहते हैं, फिर साल दो साल बाद उनमें जज्बा फूटता है तो पहले वो मुझसे ही लड़ जाते हैं, क्योंकि मेन था बंधनों से लड़ना, मैंने बंधन से लड़ना सिखाया, फिर शायद उन्हें मेरी कोई बात बंधन लग जाती, वो मुझसे भी लड़ लेते हैं, तो कोई बात नहीं, मैं उन्हें बुरा नहीं कहता, बल्कि मुस्कुरा के खुश होता हूं कि अब ये लड़ना सीख गए, आज नहीं कल ये अपनी पूंछ में आग लगा के लंका जलाई देंगे। लंका जलाना मूल उद्देश्य है, मुझसे लड़ लो या किससे लड़ लो, लड़ना सीख लो। कभी कभी बाप ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को शिक्षा देते थे पहले तलवार चलाना, तो खुद से ही लड़वाते थे, और उसमें कभी कभी एक दो बार वो खुद हार भी जाते थे, और खुद हार के बच्चे को बल देते थे कि देखो बेटा हम हार गए, अब तुम दूसरे से भी लड़ सकते हो। तो तरीका होता है, पिताओं का काम करने का तरीका, गुरुओं के काम करने का तरीका अपना ही ढंग होता है। तो मैं आपको इतना हिम्मतवर बनाना चाहता हूं, सच के प्रति इतनी बात करवाना चाहता हूं कि आप केवल जो विरोध करते हैं जिनसे, उनसे ही सवाल ना करें, जरूरत पड़ने पे उनसे भी सवाल करें जिनके प्रति आप विश्वास रखते हैं लेकिन उनकी कोई बात आपको गलत लगती है। सही मानों में उसी दिन इस देश में एक क्रांति जन्मेगी जिसका हम संकल्प लिए आगे बढ़ रहे हैं। केवल हमारी दुश्मन सरकार नहीं है, क्योंकि सरकार कुछ अच्छे काम भी करती है। सरकार को गाली देने से पहले पूरे दुनिया वो देश को संभालते हैं, 130 करोड़ लोगों को संभालते हैं, पूरे गाली देने से पहले एक बार अपने ऊपर भी सोचो कि 25-30 साल से तुम अपने घर को आगे नहीं ले जा पाए, 5 साल में कोई देश को आगे कैसे ले जा सकता है, वो भी प्रश्न है। लेकिन कुछ और भी प्रश्न है कि कुछ नीतियों की असफलता है कि एक व्यक्ति सफल नहीं हो रहा, तो नीतियों पे बात भी करेंगे। तो जहां समर्थन करना है, हमने एपीएम क्रांति की शुरुआत में ही कहा था कि कल को ऐसा भी हो सकता है कि जिस सरकार से हम लड़ रहे हैं वही सरकार अगर कोई नीति लेके अच्छी आए तो उसके समर्थन में हम पूरे दुनिया से लड़े। बिल्कुल हमें हमारे लड़ाई का मतलब थोड़ी ना है कि हमारा दुश्मन है वो 100% बुरा है। धर्म कहता है इस पृथ्वी पे जो भी व्यक्ति है वो दोनों गुणों से संपन्न होता है, अच्छे और बुरे। 100% जो अच्छा होता है वो परमात्मा का प्यारा हो जाता है, और 100% जो बुरा होता है परमात्मा उसे पृथ्वी पे ही नहीं लाता है। तो यहाँ कोई भी 100% ना अच्छा होता है ना 100% बुरा होता है, यहाँ सब कॉम्बो होते हैं, और उस कॉम्बो में परसेंटेज पे निर्भर करता है कि हम सतयुग की तरफ बढ़ रहे हैं कि हम कलयुग की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छाई का परसेंटेज कम होगा तो हम जो हैं वो कलयुग की तरफ बढ़ रहे हैं, अच्छाई का परसेंटेज ज्यादा होगा तो हम सतयुग की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये जो युद्ध है डॉक्टर विश्वरूप के संबंध में, मैं दिल से कहता हूं कि हम सबको आईएमए से सवाल तो उठाना चाहिए, और आईएमए से सवाल उठाने के लिए मैं आज यहां दिल्ली में हूं, शाम तक या कल तक पहुंचूंगा, और वहां जाके मैं 8 प्रश्न तैयार करूंगा। हमारा तो हथियार 8 है, 8 प्रश्न तैयार करूंगा, आप सबको वो दिए जाएंगे, आईएमए से भी 8 प्रश्न उठाएंगे। एक हफ्ते रवीश कुमार से उठाने के बाद उन्हीं प्रश्नों को हम और लोगों से उठाएंगे अगर रवीश जवाब नहीं देते, और रवीश के अगेंस्ट बात करेंगे कि देखो जवाब नहीं दिया। और बाकी 8 प्रश्न जो आईएमआई से हम लोग उठाते हैं उससे हम आईएमए तो IMA से भी 8 सवाल उठाएंगे, और उसको हम सब करेंगे। विश्वरूप राय को हमारी तरफ से ये समर्थन है, आप सब इसमें पूर्णतः सहयोगी बने। व्यक्तिगत रूप से उनकी लड़ाई कोर्ट में उनको अकेले ही लड़नी है,
हाँ यदि विष्णु राय से मैं कह चुका हूं कि अगर उन्हें मेरी किसी प्रकार की सहायता की जरूरत हो, किसी भी प्रकार की, तो मैं उपस्थित हूं एक मित्र की भांति, तो मैं उनका साथ दूंगा एक मित्र की भांति। संगठन को देखते हुए और बड़ी लड़ाई को देखते हुए मेरी आप सबसे विनती है, आप सब विश्वरूप राय का जो विचार है आईएमए के खिलाफ, जो उन्होंने आवाज उठाई, उसके लिए आप उनका साथ दें, आप यहां पे उस विचार को सम्मान दें। निश्चित ही वो विचार विश्वरूप के माध्यम से आपको मिला है, लेकिन विचार बड़ा है। अगर आप सब लोग विश्वरूप राय रिहा करो चिल्लाते रहे और वो रिहा भी हो गए, उसके बाद आप बोलोगे वो लड़े और आप तो लड़ो नहीं, तो आप आईएमए से लड़ना नहीं सीख पाए। मेरा मानना है विश्वरूप राय जाएंगे तब भी, बाहर आएंगे तब भी, हम सबको आईएमए के खिलाफ जो विचार विश्वरूप राय के माध्यम से आया है उसको मजबूत बनाना है।